नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का महा कवरेज, मेगा कवरेज, जहां पर आपको आज गिनती वाले दिन चार राज्यों के नतीजे न्यूज इंडिया 24/7 ताबड़तोड़ तरीके से अपने स्क्रीन पर सुबह से ही बता रहा है। पहले चरण का जो रुझान है वो आपको तो साफ हो गया होगा और तीन राज्यों में फिलहाल पहले चरण के रुझान के बाद समझ आ रहा होगा कि तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साथ ही तेलंगाना में, और जो तेलंगाना में आप देखिए बीआरएस आगे चल रही है, लेकिन तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का आगे चलना अपने आप में बड़ी बात है। मेरे साथ इस पूरे एक घंटे के सेगमेंट में मेरे साथ दीपिका होंगी जो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगी, अभिषेक होंगे हमारे साथ, आपको बताएंगे दूसरे राज्य क्या कुछ चल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सागर मिश्रा होंगे जो आपको तेलंगाना से बड़ी खबर का रुख कर जल्दी से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के कांटे की टक्कर है और ये देखिए जो सीटों का आंकड़ा है वो 7 और 6 के आसपास। छत्तीसगढ़ सरकार में 7 मंत्री कांग्रेस पीछे चल रहे हैं, मंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं, साथ ही आपको बता दें मंत्री मोहन मरकाम पीछे चलते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे जल्दी से तमाम मंत्री। मंत्री कवासी लखमा पीछे चल रहे हैं, आपको याद होगा मंत्री कवासी लखमा चुनाव के दौर में उन्होंने उनका नाम भी उछला था। मंत्री मोहम्मद अकबर पीछे चल रहे हैं, मंत्री अमरजीत भगत पीछे चल रहे हैं, भगत जी भी आपको याद होगा कितना उनका नाम उछला था, मंत्री रुद्रगुरु पीछे चल रहे हैं, और इसी पर ये देखिए जल्दी से मंत्री अनिल भेड़िया पीछे चल रहे हैं, साथ ही आगे बढ़ेंगे आप बता देते कौन से नेता कौन से मंत्री छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस कांटे की टक्कर से बड़ी खबर कर लेते हैं। एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आ गया है और मध्य प्रदेश जैसे भारतीय जनता पार्टी लग गया उसके बाद मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं, हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि बहुमत से सरकार बनाएंगे। आगे हमारे साथ दीपिका, मध्य प्रदेश में देखिए कह रहे हैं सीएम साहब बहुमत से सरकार बनेंगे, मोदी जी के मन में एमपी को लेकर जो प्यार है वो जनता जो वोट दिया उससे पता चल रहा है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं पीटी क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, और इसी के साथ साथ कहा जा रहा था जो लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई वो एक बड़ा हथियार बना के लिया गया और यही कहीं ना कहीं बैकफुट पर कांग्रेस को लेकर गया। तो पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद आसिफ जी कांग्रेस से मौजूद है, निपुण जी हैं और इसी के साथ साथ सबिया जी भी मेरे साथ जुड़े। मोहम्मद आसिफ जी कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई, कमलनाथ तो बहुत मेहनत कर रहे थे, फिर कमलनाथ की मैच क्यों रंग नहीं ला पाई? जनता के बीच 5 साल तक कमलनाथ जी हमारे रहे, जनता ने हमें वोट दिया, हमें वोट दे रही है और मजबूती के साथ हमारी पार्टी चुनाव लड़ा, आंकड़े हमारे फेवर में नहीं आए, उम्मीद है हम जल्दी वापसी करेंगे। चलिए जल्दी वापसी के लिए अभी और इंतजार बहुत लंबा जी, बिल्कुल लंबा इंतजार तो नहीं पड़ेगा, जिस आंकड़े आए हैं तो दिख रहा है क्वीन स्वीप हुआ है, 230 में से 56 पर आगे चली है, तो यानी कि एकदम संपूर्ण बहुमत इसको कहा जाएगा उस सरलाइए। और देखिए शिवराज सिंह चौहान की जो पॉलिसी है, लाडली योजना हो या सरकार की जो योजना, ये पॉलिसी का जो जिक्र आप कर रहे हैं ये पॉलिसी जो है मध्य प्रदेश में मास्टर स्ट्रोक साबित हो गई बीजेपी के लिए, महिलाओं के लिए काम किया गया, महिलाओं जी बिल्कुल महिलाओं के लिए बराबर काम किया गया है। और देखिए जो महिलाओं के लिए यूपी में और आपके मध्य प्रदेश में काम किया है और यूपी मॉडल को देखते हुए कि कहीं ना कहीं राजस्थान में भी चेंजिंग आई है, लोगों ने मतलब सोचा है कि बदलाव लाया जाए वहाँ पे, राजस्थान में मैंने खुद देखा जमीन पर काम किया। चलिए बिल्कुल देखिए काम किया है और काम कितना किया है ये तो आज मालूम पड़ ही रहा है, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो कांग्रेस लगातार दावे कर रही थी, कमलनाथ जो दावे कर रहे यूं कहे कि आपको भी याद होगा पार्टी आकामा ने सारा दारोमदार जो था कमलनाथ के ऊपर सौंप दिया था, कमलनाथ चाहे निर्णय ले सकते थे निर्णय लिया, लेकिन अब कहां गलती हुई कहां पेच फंस गया ये कांग्रेस को बहुत सोचा होगा। उसके बाद अभिषेक छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताएंगे, अभिषेक विजय के वहां पर छत्तीसगढ़ की जनता आखिर क्या सोचकर ब्रांड भूपेश के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई और कांटे की टक्कर 7 सीटें, जिससे 7 मंत्री जो भूपेश बघेल कैबिनेट के पीछे चल रहे जिनके नाम अभी हमने भी आपको गिना दिए, क्या ये मैच भी हो पाएगा? कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम राज्यों में दफ्तर के बाहर रिजॉर्ट्स बुक हो गए हैं और बसेस लगा दिए गए, क्या हो सकता है? अभिषेक विजय के पास रहेंगे जिनके पास छत्तीसगढ़ के मेहमान थे, जल्दी से। बिल्कुल देखिए प्रीति, अब ये संभावनाएं कम लग रही हैं कि बस कहीं भी लगेगी और रिजॉर्ट बुक हुए होंगे तो शायद वो बुक ही रह जाएंगे, इसकी संभावना फिलहाल जो रुझान दिख रहे हैं उसके हिसाब से इसके पास चलते हैं। और छत्तीसगढ़ में आखिर कहां कमी कांग्रेस से रही और बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि वहां भी बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है, हमारे साथ खास मेहमान हैं उनके पास आते हैं, पवन जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कांग्रेस से कमी कहां रह गई? अब देखिए क्या है कि कांग्रेस जो है उसके साथ में एक प्रॉब्लम ये रही है कि जो एंटी इनकमबेंसी सरकार है वो तो काम कर ही रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पूरे चुनाव में आप देखें कि वहां पर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको पूरे इन सारे चुनाव में एक बड़ा चेहरा बनाने का जो पीछे काम किया गया वो ये था कि क्योंकि आने वाले जो ये चुनाव हैं वो चुनाव आम चुनाव जो है बिल्कुल स्टेट फेस पे फोकस ना करना क्या बीजेपी के पक्ष में गया?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है कि आप जानते हैं कि आम चुनाव में जब लोकसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव में जब चीजें आएंगी वो मोदी जी के सामने आएंगी। तो आज भी दिखाने का कार्य किया गया है कि जो चुनाव है वो इन लोकल चेहरे नहीं लड़ रहे हैं, हम केवल मोदी जी को मजबूत करने के लिए, और ये लोकसभा जैसा चुनाव इन्होंने विधानसभा के चुनाव को मान लिया है। आरके मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ में ये उम्मीद थी क्या? देखिए अभिषेक जी, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो कि हम लोग चुनाव से पहले ये आश्वस्त थे, क्योंकि कुछ ऐसे विषय थे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो बघेल जी ने जिस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। जनता के साथ जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े, या महादेव ने मेरा पक्ष, महादेव भी था, पीएम फंड था, जो आदिवासियों के लिए जो फंड था उसमें हमने देखा जो कि हजारों करोड़ के घोटाले थे, ये सब सारी चीजें हमने जनता के सामने रखी और जनता ने निर्णय दिया है। क्योंकि ये जो रुझान दिखा रहा है, निश्चित तौर पर ये दिखा रहा है जो कि छत्तीसगढ़ में जनता बदलाव चाहती थी और यही बदलाव रुझान में हमें नजर। सर अंतिम पड़ाव में इमोशनल वोटिंग भी हुए हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि महादेव सटा ऐप जो हमने जब छत्तीसगढ़ में गए तो कहा जा रहा था ऐसे वोटिंग भी हुए। देखिए हर एक फैक्टर काम करता है, जब आप चुनाव में जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती है, बहुत सारे विषय होते हैं, तो इस तौर पर कहीं ना कहीं हर एक फैक्टर काम किया है जो रुझान में आपको स्पष्ट कर रहा है। कपिल जी, अगर मैं आपसे समझूं, आम आदमी पार्टी खुद को कहां दिख रही है, क्योंकि सभी जगह सरकार बनाने का दावा तो कर देते हैं लेकिन परिस्थिति आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं करती लग रहा है। सर, आम आदमी पार्टी आंदोलन की पार्टी है, आपको तो हमें बधाई दीजिए, जो हमारी नीति है वो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उसको अमल ला कर रही है, जनता सपोर्ट नहीं कर रही है ना, दिक्कत ये। सर हमारी वहाँ शुरुआत है, हम लोग आए और इतने बड़े आपको पता तंत्र लगे हुए, बीजेपी ने आज जैसे कांग्रेस जैसी पार्टी को ढेर कर दिया है एक महादेव ऐप के ऊपर, ऐसे मोदी जी ने उसका महादेव ऐप ही कारण है, ये तो वक्त बता लेकिन नहीं, अभी के लिए धीरे धीरे हमारा समय आएगा, हमारे लोग काम कर रहे हैं, पार्टी धीरे धीरे से वहाँ पे जागरूक होगी, सारे जागरूक होंगे, हमारी तरफ आएंगे, समय लगता है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम कब आएगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है तीन राज्यों में बीजेपी लीड कर रही है और एक राज्य तेलंगाना जहां पर तेलंगाना में कांग्रेस लीड करती हुई नजर आई है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव संभव है वक्त के साथ। प्रीति ठीक है, अभिषेक बहुत अच्छे तरीके से अभिषेक ने अपने छत्तीसगढ़ पूरे राजनीतिक आकलन को बताया, दीपिका हमारे साथ मध्य प्रदेश के राजनीतिक आकलन को उन्होंने बताया, अब सीधा राजस्थान का रुख करते हैं। ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो राजस्थान के लिए, तमाम तमाम पैनलिस्ट को राजस्थान के राजनीति के बारे में बताएंगे। सबसे पहले माया सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ बहुत स्वागत। अंजु भंडारी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ विष्णु प्रिया सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और साथ हमारे साथ एडिटर सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे एक सवाल हो गया, महिलाओं पर आप अभी बोल भी रही थी, जो दिखता है भी बिकता है, प्रधानमंत्री ने बहुत ऐसे काम किए जो लोगों ने कैच कर लिया, क्यों आपको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बेचा वो लोगों ने ग्रह? मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि महिलाओं के मुद्दे पे जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, महिलाओं का एक तो उत्साह बढ़ा है और उनको उत्साह बढ़ने के साथ उनको फ्रीडम मिली है बाहर का करने की, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने या जो महिलाओं के पर काम किया है उससे महिलाएं काफी प्रभावित हुई, इसलिए वोट बैंकिंग भी सबसे ज्यादा इस टाइम महिलाओं की ही रही है। महिला सुरक्षा, राजस्थान में कहा गया कि हर पोलिंग क्षेत्र में या छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम 24 घंटे पर पीसीआर महिला थाना बूथ बनाए, क्या ये इम्पैक्टफुल? देखिए ये बिल्कुल इम्पैक्टफुल क्यों नहीं रहेगा, मतलब सुरक्षा ही एक ऐसी चीज है जो सिर्फ महिलाएं क्या परिवार वाले भी अपनी बेटियों के लिए, तो एक तरीके से महिलाओं का उनके परिवार वालों का भी जो वोट मिला तो वो इस वजह से भी बिल्कुल रुझान रहा बीजेपी की तरफ। हमारे साथ सुनील जी है, बट जल्दी से छोटा सा रिएक्शन इनसे भी, महिलाओं के विषय में हमने बात किया, अशोक गहलोत के मैनिफेस्टो या फिर जो उन्होंने चुनाव के पहले जो दावे के फूड पैकेज योजना बड़ा चलन रहा, चिरंजीवी योजना, घोषणा पत्र 50 लाख सीधे, उसके बाद भी जनता ने क्या इन छोटे छोटे लुभावने वादों पर वोट नहीं किया? लक्षित होता है, आप सब जानते हैं एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है, जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने भी है। मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने इतना बढ़िया और अच्छा काम किया है, जनता सराहा है और खुद मंत्री साहब स्थान से आते हैं। सर कहेंगे, मैंने आपसे पूछा योजनाएं क्या? देखिए योजनाएं बनाकर अशोक गहलोत ने सेगमेंट को कुछ कुछ दिया था, वो कहने लगे थे कि मैं जनता का लाल, परंतु जनता ने उनके लाल को भूल कर लाल डायरी पर ध्यान दिया और वो शायद वो जो है जी हाँ बिल्कुल, इसी तरह से कुछ वालों को लगता था, कांग्रेस को लगता था कि हम जनता मिलता है कि अगर हम चलाएंगे तो योजनाएं बंद हो जाएंगी, इससे वोट हमें आएंगे, परंतु जनता शायद अपना मूड बना चुकी थी। मुख्यमंत्री कहते छोटी छोटी चीजें, फूड पैकेट में तेल, चावल, आटा सब कुछ दिया, वो उसके देने के बाद रिमोट एरिया हम उन्हें वोट देंगे, चुका चुक यही हुई, उन्होंने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें महंगाई राहत के राशन नहीं चाहिए, हमें तो आप नौकरी दे दीजिए, हमारे पर भी ना हो इसकी गारंटी दीजिए, उसके बाद बाकी तो हम खुद सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान है राजस्थान डेस्क पे, जल्दी से मैडम आपके पास, लाल डायरी का उन्होंने जिक्र कर दिया, क्या लाल डायरी ने बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का राजस्थान? देखिए लाल डायरी की अगर बात करें, बात ये नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर वादे तो कर लेते हैं लोग, नेता लोग जो कर लेते हैं जनता, लेकिन उनका परिणाम चाहते हैं, वादों के प्रति उत्तर उन्हें चाहिए कि क्या सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन आज का जो समस्या है मध्य प्रदेश की और राजस्थान की सरकार की जो समस्या है, ये जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए बहुत सारे मुद्दों पर।
जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया। सर शुरुआती बड़ा क्या माने बीजेपी को जनता क्यों सुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9.5 साल की उपलब्धि को लेकर जिस कार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण से रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ तो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी कह रहे हैं कि किस पर जनता ने छत्तीसगढ़ का भरोसा है। हम जल्दी अभिषेक के पास चलेंगे, उसके एक्शन लेंगे, उससे पहले छोटा जल्दी से हमारे साथ सागर मिश्रा जुड़े हैं तेलंगाना और जल्दी से क्या कहता है चुनावी समीकरण। देखिए बिल्कुल, अगर तेलंगाना की बात करें तो साउथ इलाकों में कांग्रेस की पकड़ लगातार बेहतर होती जा रही है। कर्नाटक आपने देखा था और कुछ वैसी तस्वीरें इस समय तेलंगाना में दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है, सूत्र बता रहे की ताज होटल के वहां 3 बसें लग चुकी हैं। सूत्र ये बता रहे की वो बसें कांग्रेस की हो सकती है और विधायकों का बाड़बंदी किया जाए, उन्हें बेंगलुरु भी भेजा जा सकता है। तो क्या कांग्रेस अभी उस जोश और जुनून की जिसको लेकर के एक एक कार्यकर्ता अपने पार्टी का झंडा उठाता है और चुनाव में आगे बढ़ता है, उस खुशी उस जीत की लहर के लिए जो सपना उसका नेता दिखाता है और जिन राज्यों में जिन पार्टियों की जीत हुई है आज सोचिए वहां का हर एक कार्यकर्ता कैसा महसूस कर रहा होगा। तस्वीरों को देखकर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना हो, वहां के कार्यकर्ता जिस तरीके से जोश के साथ पार्टी का उत्साह बढ़ाकर जीत का जश्न मना रहे हैं, उनसे उन तमाम चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें हार को अपनाना चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा। न्यूज इंडिया का महाकवरेज लगातार जारी है। सागर शाह हमारे साथ, हमारा दीपिका अभिषेक विजय बने हुए ब्रेक के बाद फौरन के पास चलेंगे, बस छोटे से ब्रेक के लिए ऊपर। फिर से स्वागत ब्रेक के बाद आप सभी का। न्यूज इंडिया आपको सुबह से ही लगातार आज नतीजे वाले दिन एक एक पल पल क्षण का जो नतीजा है जो अपडेट से आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी इस आधे घंटे के सेगमेंट की शुरुआत हम करेंगे मेरे साथ दीपिका होंगी, साथ ही अभिषेक विजय, दोनों ही अपने अपने राज्यों के बारे में, दीपिका मध्य प्रदेश और अभिषेक छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। मैं आपको राजस्थान तेलंगाना के राजनीतिक समीकरण को समझाऊंगी, उससे पहले बड़ी खबर की तरफ सबसे पहले हम रुख करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के चुनाव जीतते हुए हालात को देखते हुए दो राज्य में तो स्पष्ट है, हालांकि छत्तीसगढ़ में कांटा अभी भी ऊपर नीचे का है। शाम के 6 बजे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में जश्न की जबरदस्त तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे। आप याद होगा 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, अपडेट भी आ गए। 3 राज्यों के इस भारतीय जनता पार्टी के बढ़त को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वहां कार्यकर्ताओं से संबोधित करेंगे। अपने पोल अपने बूथ के तमाम छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करके उनका हौसला बढ़ाएंगे और सराहेंगे कि वाकई में क्या काम किया आप लोगों ने। और कई बार हमने देखा भी है प्रधानमंत्री ने ऐसे सराहनीय काम और साथ ही अपने छोटे से छोटे बड़े से बड़े पानी पिलाने तक वाले की सराहना की है चुनाव के वक्त में और यही वजह प्रधानमंत्री खास बनाता है तेलंगाना। सबसे पहले सर अपडेट क्या है? ये अपडेट अजेंट है, तेलंगाना सरकार जो कांग्रेस से बनने जा रही है, जो उन्होंने संघर्ष किया उसका लाभ होगा और वहाँ की जनता ने कहा था तेलंगाना काम करो अच्छा नहीं कर देंगे गाना। कांग्रेस पार्टी आगे और वहाँ की जनता ने तेलंगाना की केसीआर कहा था कि काम करो अच्छा, तेलंगाना ने कहा था काम करो अच्छा नहीं कर देंगे गाना। कांग्रेस सर क्या है? फाइनली कांग्रेस तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज बाकी के लिए भी है कि अगर आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रखेंगे जैसा वहाँ तेलंगाना में नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन के बीच में था, तो आपको इसका नतीजा चुनावों में देखने को मिलेगा। जनता बहुत दिनों तक वादों के भ्रम में आकर के आपको वोट नहीं करने वाली, जनता बहुत दिनों तक वादों में भ्रम में आके आपको वोट नहीं करने वाली है, क्या तेलंगाना के चुनाव में देखने को मिला? देखिए तेलंगाना में जिस तरह से केसीआर ने भ्रष्टाचार किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोग कर रही थी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की जगह जेल में होनी चाहिए
वो सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए थे, वहाँ की जनता देख रही थी। जो एक सीट वाली तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी एक सीट एक एमएलए वाली जो कहे कि हम यहाँ पर पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री देंगे, वहाँ की जनता अद्दुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सात सीटों पर ही है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं जीते। देखिए ओबीसी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, पूरी जनता यहाँ से क्या पूरे देश की जनता जानेगी। जहाँ ओबीसी आएंगे दूसरे देश में, जो व्यक्ति अपने गृह राज्य में अपनी सारी सीटों पर नहीं लड़ पाया और सात सीटें जो थी वो भी हार रहा है, तो वो आप समझिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से ओबीसी काम कर रहा था वहाँ की जनता ने हार दिया है। नाकु राज्य चुनाव स्पष्ट बहुमत मुनोगता है। ना मान्य प्रधानमंत्री नेतृत्व ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೋಗಸ್ ಘೋಷಣೆಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸುಳ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ. ತೆಲಂಗಾಣ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಟ್ಟಾರೆ KCR ಅವರ ಏನು BRS ಅಥವಾ TRS ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅವರ ಒಂದು केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जिस तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आगे थी उसको लेकर काफी कुछ कहने की भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ गई है छत्तीसगढ़ के चलते। रमन सिंह की पीसी आपने थोड़ी पहले देखी थी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अभिषेक विजय जो कहा रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके बारे में कहेंगे। देखिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ में आंकड़े बड़े ही दिलचस्प हैं। अंतर सीटों का जो दिख रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगभग 20 सीटों का अंतर दिख रहा है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो मार्जिन है वो 300 से 500 के बीच का है, तो अभी उसके बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाए थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। ऐसे उसे समझते हैं आके मिश्रा जी से ये समझते हैं। देखिए बड़ा ही दिलचस्प कहा जाता है कि कल तक ये बात थी कि सुबह सुबह भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती है जनता के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं कि रनिंग पीसी करने आते हैं। क्या मानी रमन सिंह चेहरा होंगे अगर ये जो टैली हम दिखा रहे हैं अगर ये रह गया तो? अभिषेक जी ये तो आपने ऐसा प्रश्न मुझसे पूछ लिया। देखिए ये संगठन का निर्णय होता है कौन चेहरा होगा कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें तो सबसे पहले फोकस करना है जो कि हम कितने अंतर से जीते हैं पहली बात। दूसरी बात जो कांग्रेस के अंदर में जिस तरह से कांग्रेस के ही जो प्रदेश अध्यक्ष थे मोहन मरकाम, इन्होंने भी जो है सो अपने ही सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे। TS सिंहदेव जी जिन्होंने खुद इस विषय को लेकर जो DMA फंड की बात कर रहा हूँ उसके ऊपर में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये भ्रष्टाचार का जिस तरह से खेल छत्तीसगढ़ के अंदर में चल रहा था ये सब बिल्कुल जनता देख रही थी और जनता ने निर्णय लिया है हम लोग। लेकिन जिस तरीके जो एकजुटता दिखी कांग्रेस में सिंहदेव भी इस बात को आखिरकार मान, कहा यह जाता है कि ढाई ढाई साल का फॉर्मूला था, बहरहाल जो चीजें रही होंगी, लेकिन पार्टी ने एकजुटता तो दिखाई अंत आते आते। और क्या आप इस तरीके से आश्वस्त थे यहाँ के लिए छत्तीसगढ़ के लिए कि यही स्थिति, क्योंकि रमन सिंह एग्जिट होने के बाद वही कह रहे थे कि हम 52 से 55 सीटें वही जाती दिख रही है, बीजेपी ने ऐसे क्या प्रेडिक्ट किया था छत्तीसगढ़? देखिए उसमें क्या होता है, हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं या कोई ऐसी विषय जो विषय होते हैं स्टेट का वो खास करके बहुत महत्व रखता है। दूसरी बात जनता के साथ हमारा हम लोगों का प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है, कार्यकर्ताओं का प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है, जो कैबिनेट में होते हैं उनका भी प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है। तो जनता के मुद्दे को प्रखरता से रखना ये बहुत बड़ी बात है, उसको अपने मतलब जो कहते हैं ना पटल पर रखना वो हम लोगों ने किया है और जनता उस बदलाव को दिख रही है और जनता ने बदलाव दिया है आशीर्वाद दिया है आगे रखने की जरूरत। ठीक है समाजवादी पार्टी के लिए कोई गुड न्यूज स्थिति कहीं से भी नहीं, लेकिन फिर भी आपसे कम खुश होंगे क्योंकि INDIA गठबंधन की अगर हम स्थिति समझें तो उसमें समाजवादी पार्टी हिस्सा है, कांग्रेस एक सीट फिलहाल लीड कर रही है और मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें हमने देखी थी कि ऐसा हुआ लगा कि INDIA गठबंधन वाकई है धरातल पे या नहीं है, अभी के रिजल्ट के बाद क्या कहें? देखिए रही बात कैंडिडेट की, हमारे सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ा है, पहली बार से ज्यादा इस बार हमें वोट मिला है, अभी रिजल्ट में जैसे तब्दील होगा हमारा ये देखिएगा हमारे हक में रिजल्ट आएगा। और रही बात गठबंधन की, इस रिजल्ट से प्रदेश के रिजल्ट से अपना कांग्रेस के एटीट्यूड का पता लगा, उनका एटीट्यूड डाउन होगा, जो माननीय कमलनाथ जी ने टिप्पणियां कही थी उनको उसका पछतावा होगा, मुझे लगता है इस हार का टिकड़ा माननीय कमलनाथ के ऊपर ठोकना चाहिए और सपा का एटीट्यूड बढ़ेगा। और बिल्कुल बिल्कुल सपा का कदम हमेशा बढ़ा है, जो भी चुनाव हो उसमें सपा का कदम, जो आपने कहा था कि UP में आइएगा फिर यहाँ पे हम भी देख लेंगे, वही स्थिति तो नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं समाजवादी पार्टी UP तो पहले से मजबूत खड़ी हुई है, समाज को एंट्री देंगे या नहीं?
वो शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होगा जो भी होगा। इंडिया गठबंधन अभी हमारी मीटिंग होगी, जो भी चुनाव में हमसे और कांग्रेस से किसी से भी गलतियां हुई हैं उसको हम रेक्टिफाई करके ओवरकम करके अगले चुनाव में आएंगे, उसमें हमें सफलता। ठीक है, दिल्ली में एंट्री लेगी कांग्रेस को यही? सर ये तो सब शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे जैसे काम चल रहे हैं दिल्ली में, आपको पता केजरीवाल जी की एक अलग से लहर है दिल्ली और पंजाब जहाँ ने अपनी सरकार बनाई है, तो आपको पता दिल्ली जो है पूरी की पूरी जनता जो है केजरीवाल जी के ऊपर, मतलब दिल्ली के लिए आपने पंजाब के लिए बोला कि पंजाब में एंट्री लूंगी मैं आपका तेलंगाना से, बस एक सेकंड लूंगी मैं आपका। चार मिनट सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, तेलंगाना से बड़ी खबर इस वक्त की। चार राज्यों के रुझान है तेलंगाना, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चार मिनट जो सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो आगे। सबसे पहले अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, हमारे साथ दिखा है जो मध्य प्रदेश की सीट को देख रहे हैं, तमाम मेहमान वहां पर भी हैं। मध्य प्रदेश में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर वापस से सरकार बनाती है टूरिज्म को बढ़ावा देगी, टूरिज्म को बढ़ावा। एक सेकंड बस मैं ये कहूंगा, जब गेस्ट के पास जाए एक सवाल लेते हुए कि क्या ये जो टैली है, हम इस क्योंकि काउंटिंग के काफी वक्त बीत चुके, लगभग चार घंटे होने जा रहे हैं, क्या इस टैली को अब हम रिजल्ट मान सकते हैं या नहीं, मुझे सवाल अब जरूर क्योंकि चार घंटे पूरे होने जा रहे हैं, क्या ये रिजल्ट है? ये जो हंसी खुशी का माहौल बीजेपी के अंदर देखते बन रहा है इसे हम क्या समझेंगे? चलिए इसी को लेकर आगे बढ़ते हुए पूछा जाता है मिश्रा जी, सोशल इंजीन का फॉर्मूला कितना काम आया? शाह साहब ने रैली करी और जिस तरीके से कहा था मोदी गारंटी और लोकप्रियता बोली शिवराज सिंह चौहान की थी, दोनों काम आए? नहीं नहीं, बड़े सैद्धांतिक परिवर्तन हुए हैं। देखिए सोने के सिक्कों पे बिक जाने वाले मीर जाफर भारत की जनता सनातनी नहीं है, फ्री की रेवड़ियों का जो कल्चर इन्होंने चलाया था वो ध्वस्त हो गया, काम नहीं आया ना। तो पहली चीज कि लालच के ऊपर सनातनी भारत का लोकतंत्र बिकने वाला नहीं है, ये उदाहरण है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जॉर्ज सोरस यहाँ पे जो उसका नकाब था वो है, जवाब किन इन लोगों को मिला जो पनौत बोलते थे, जॉर्ज सोरस बोलते थे, हजारों यूट्यूबर घूम घूम करके जो देश के खिलाफ बोलते थे, जो हमास को जो है समर्थन देते थे। तो ये बड़ा सिद्धांत पर चेंज हुआ है, विपक्ष को समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र के खिलाफ जाकर के तुम कुछ भी कर दो, बीजेपी की जीत ये नहीं बताती है। फ्री की रेवड़ी तो कांग्रेस ने इनसे ज्यादा दी थी, बीजेपी की जीत बताती है कि राष्ट्र को चाहने वाले, राष्ट्र के सिद्धांत सनातन के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को जनता ने चुना है। फ्री की रेवड़ियां सुविधाएं तो सारी सरकार दे रही है। फ्री की रेवड़ियां सुविधा, देखिए सुविधाओं का जिक्र करें, योजनाओं की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान इसके पीछे नहीं रहे, मास्टर स्ट्रोक का जगह जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। चलिए चलिए, इसने कम ही दिया था चलिए अभी फिलहाल तो मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। क्या लगता है आपको जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, हम सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं, माइक्रो लेवल तक भी कांग्रेस की मेहनत थी लेकिन वहाँ पर नजर गड़ाए बीजेपी मौजूद, यदि जो रुझान बताए उनसे हम सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी बहुत अच्छा वोट किया, महिलाओं का भी वोट प्रतिशत ज्यादा रहा, दलितों ने समर्थन किया न मुस्लिमों ने समर्थन किया, ये सोशल इंजीनियरिंग बहुत जल्दी समझ ली। बिल्कुल, देखिए कहते ना कि जैसे जाति का जनगणना भी चल रही थी और कांग्रेस पूरा चिल्ला कर कि हम क्या जाति जनगणना लानी है, मुझे लगता है चुनाव के बाद इस तरह के जो मुद्दे थे जैसे कि भाई साहब ने जिक्र किया वो सब मुद्दे भी हावी रहे, जाति का जनगणना का मुद्दा मुझे लगता है ठंडे बस्ते में चला जाएगा और जो बीजेपी के एक सामाजिक पूरा उन्होंने पूरा देख चला ताने बने को लेकर चले वो कामयाब गिर, देखिए कितनी भारी सीटें बीजेपी जैसे 162 पे आग चल रही है तो मुझे लग रहा है कि 170-180 ना पहुंचा दें लोग ऐसे, और अगर ऐसे करते हैं तो ये तो एकदम बाउंड्री मतलब क्रॉस हो गया। पिछली बार खंडित जनादेश था और इस बार तो क्या कहे आसिफ जी, ये तो बाजी ही मार रहे हैं बीजेपी चुनाव लड़ी मध्य प्रदेश, लेकिन जो ईडी ने काम किया वो कहां चले गए? जनरेशन तोमर के बेटे के वीडियो वायरल हुए थे 100 करोड़ के, तो ईडी कहां चुनाव, ये कांग्रेस कहां चली गई थी? ये तो आपको सामने आ गया था ना, सड़कों पर भी नहीं उतरे कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर कार खट का वीडियो वायरल, सबने देखा कहां मीडिया चली, कहां ईडी चली गई, ईडी जाके तेलंगाना में एंट्री बैन कर दी, मतदाताओं को तो नहीं लुभा पाए ना, सवाल सवाल मतदाताओं का भी है ना। चलिए छत्तीसगढ़ के अंदर तो ईडी चली आगे हुई उसकी, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर आके बगैर शो यही भी बीजेपी की, आप जनता के पास आओगे नहीं, जनता ने फेल कर दिया, ईडी जनता का स्वागत कर जनता ने हमें कम हो गया, हां तो ईडी कहां चली गई, आप बोलिए ना किसी को यह हराती है, छत्तीसगढ़ के अंदर बोल रही थी बार-बार उनको पूछी, ईडी फेल कर रही थी क्या कहेंगे उम्मीद एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को और आज जो नतीजे हैं उसमें अकड़ा बंपर रुझान राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी? देखिए कुछ कांग्रेस स्पॉन्सर चैनल ने ऐसा दिखाया, अदरवाइज मैक्सिमम जो चैनल थे वो दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी बाबा है, उसका आधार था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से जन जन को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं बनाई उसका लाभ हर व्यक्ति को मिला, हर घर को मिला और उसी का कारण था योजनाएं, वो आयुष्मान भारत में घोटाला ना,
द्वारका एक्सप्रेस वे वाला घोटाला ना, उसके बाद अरे मैडम सुन, और उसके बाद अयोध्या कास्ट वाला घोटाला ना, देखिए हर घर में इतनी आज आज इन दिनों धन्यवाद, अरे बधाई दे, बड़ी तस्वीर है, तस्वीर है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की तस्वीर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और तस्वीर को आप देखिए बड़ा दिलचस्प है, नरेंद्र तोमर जो है वो अभी पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, और नरेंद्र तोमर अभी पीछे चल रहे हैं, आकलन करें कि भाई मध्य प्रदेश हालांकि राहत की सांस चेहरे पर जरा थी मध्य प्रदेश के इस नतीजों के बाद, आपको देख सकते हैं एक चीज और जान लीजिएगा कि इसमें यह है कि अमूमन केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बीजेपी जिक्र करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जिक्र बहुत कम करती है, लेकिन इस बार यह गया, यह गया, हां आपको याद होगा मेरी सबसे आखिर में के लाडली लक्ष्मी योजना का जो जिक्र करते लाडली लक्ष्मी चली गई थी लाडली बहना, ये आखिर में मास्टर स्ट्रोक था, देखिए 33% आरक्षण प्रधानमंत्री दिया, उसके बाद महिलाओं का सारे नेता महिला 2026 का इंतजार किया, महिला मुझे लगता है कि केंद्र में होंगी, खेचन जी कंप्लीट ना चाहते हैं, उसके बाद सुनील जी, देखिए ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और काम पे मोहर है, और मध्य प्रदेश भी वैसा ही हुआ है, और राजस्थान भी वैसा हुआ है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 साल में राजस्थान बर्बाद किया, आपसी लड़ाई में उन्होंने समय बर्बाद किया, आपसी कुर्सी की खींचतान में उन्होंने अपने रिसोर्स को बर्बाद किया, उसका भी परिणाम है, और मध्य प्रदेश जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट, जिस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो प्रचार कर रहे थे, उसका जनता ने जवाब दिया। सवाल राजस्थान में हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील जी, तमाम योजनाएं कांग्रेस पार्टी की, मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का, मोदी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा कौन सा टिगर आउट पॉइंट रहा जनता के लिए राजस्थान में जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वोट करने के लिए राजस्थानियों को मजबूर किया? देखिए अशोक गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब जानते हैं योर ड्रीम्स माय स्कीम्स, मतलब जो भी जनता के ड्रीम्स होंगे उन्हें अपनी स्कीम से पूरा करना, उनका पूरा प्रयास था, कहीं कोई गलती नहीं हुई, लेकिन एक सबसे पहली बात तो अशोक गहलोत के साथ हमेशा ये संभव है, हमेशा ये होता है कि जब वो अच्छा काम करते हैं उसके बाद वो नहीं आते, इंडिया टुडे ने उन्हें एक बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया था, उसके बावजूद भी वो दोबारा नहीं आए थे, ये उनके साथ है, जब भी इस पर चुनाव करते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें क्यों उनकी स्कीम्स काम नहीं की, क्यों उनकी योजनाएं काम नहीं की, तो उसका सीधा सा कारण है जो उन्होंने भी अपने बयान में कहा था कि अगर धर्म का कार्ड काम कर गया तो शायद मैं सुनील जी इसमें ये चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या योजनाओं को लाने में देरी हुई, योजनाएं का बाद में आई हैं, आप अगर देखें तो शुरुआती 2.5-3 साल जो रहे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में चला गया, नहीं लड़ाई की अगर बात करें तो लड़ाई तो दो तरफ थी, बीजेपी में भी गुटबाजी थी, जब सत्ता में होते तो आपके लिए चुनौतियां शायद ज्यादा, बीजेपी की गुटबाजी तो अंतिम समय तक थी इस बात सब जानते हैं, परंतु और टिकट वितरण के समय जितना विरोध बीजेपी के साथ हुआ उतना शायद कांग्रेस के साथ नहीं हुआ कि लोग बाहर धरने पे बैठे, लेकिन बीजेपी ने स्विच किया और वस्त्र राज्य के जो सपोर्टर्स थे उनको टिकट दिया, लास्ट में बीजेपी ने वो किया, तो बीजेपी चेंज करती रही और कांग्रेस ने चेंज नहीं किया। देखिए जब सफलता मिलती है परिणाम आते हैं जीत होती है तो जो कमी होती है वो स्ट्रेटजी में बदल जाती है। आज सवाल दीपिका का भी राजस्थान के जैसे जिक्र आप करे थे तो मैं तेलंगाना की पैलेस के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तेलंगाना में लिखा गया था धर्म का कार्ड, यहाँ पर जो दिक्कतें बीजेपी के साथ आती है वो ये आती है कि क्या भाषा की दिक्कत है, क्यों यहाँ पर हिंदी में तो अच्छा करते हैं लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, क्यों यहाँ पेज फंसता दशम में आकर, क्योंकि मंदिर यदि हम तेलंगाना करते हैं तो बहुत ज्यादा मंदिर तेलंगाना में है, यहाँ धर्म का क्यों नहीं चलता? देखो उससे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ के जितने कहा तेलंगाना काम अच्छा करो अन्यथा करेंगे बेगाना, ये इसकी स्थापना जो हुई थी आज से 9 साल 6 महीने एक दिन पहले 2 जून 2014 हुई थी, उस समय जो केसीआर उन्होंने अच्छा काम किया, अलग राज्य योजनाएं तो बहुत अच्छी केसीआर ने चलाई थी, नहीं योजनाएं भले ही बहुत अच्छी थी लेकिन आप पूरे दक्षिण भारत में नजर डालें तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती जा रही है। छोटा सा क्योंकि समय हो चला है, छोटे से ब्रेक का तो जल्दी अपडेट भी आपको बता देते हैं, उसके बाद ब्रेक हमें जाना होगा। राजस्थान की सबसे पहले बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी 106 सीटों पर आगे चल रही है, तेलंगाना में INC यानी कि कांग्रेस 66 सीटों पर, BRS वही 41 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 90 सीट की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी 54 कांग्रेस को 34, बहुत बड़ा झटका है। ब्रेक पर जाएंगे, छोटा सवाल, सचिन पायलट और गहलोत का मन मुटाव क्या कांग्रेस पार्टी को सूबे में जी बिल्कुल सही बात है, पिछली बार जब चुनाव को बात करें तो जो सीटें सबसे ज्यादा वेस्टर्न राजस्थान से आई थी, जहां की सचिन पायलट प्रभुत्व है, जहां की सचिन पायलट के फेस पर टिकट और वोट मिलते हैं, मुझे लगता है जब आप टैली देंगे उसके बाद देंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें पश्चिमी राजस्थान में ही हुआ है, और वाकई में इस बार जी पीछे चल रहे हैं इस और सीधी सी बात है कि इस बार मुखर होकर सामने नहीं आए, उनका क्रेज है, युवाओं में क्रेज है, खासकर एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ क्रेज है, उस खामियाजा तो छोटे से ब्रेक के जल्दी से छोटे से। देखिए तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा था, क्या नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव की जिम्मेदारी लेंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी रणनीति रहती है जहाँ जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ मोदी जी जिम्मेदार नहीं होते, बिल्कुल मोदी गलत
प्रमिश्नर मोदी जी के नेतृत्व में जगह चुनाव छोटे समय के लिए समय नहीं है, छोटे के लिए मैं रुका पड़ेगा और साथ ही न्यूज़ इंडिया 24x7 आप तक ताड़तोड़ कवरेज कर रहा है सुबह से ही और आपको पल पल की बदलते अपडेट को बता रहा है, पल हर क्षण नतीजे बदल रहे हैं। फिलहाल अभी तो यही कोशिश है कि जो नतीजे सामने है, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आगे और साथ ही 1 राज्य में कांग्रेस आगे और ऐसे में सबसे बड़ा अपडेट अभी तक की यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के ठीक 6:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाएंगे, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे। छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मचाएगा साथी दो हमारे सहयोग बैंकरों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस शो को करने के लिए।